आज हम पढ़ेंगे अरिवंद और ट्वेल्थ की जो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का जो भाग है वह है सेंटेंस, उसके अंतर्गत जो है हमारे परीक्षा में पूछे इरर पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसी को जो हमें सही करना होता है। मतलब क्या है कि इरर हमें हमसे जो पूछा जाता है परीक्षा में। सबसे पहले हम देखा कि इंग्लिश में लिखा गया है कि यदि दो सिमिलर नाम आयन से जुड़े हों और उस और उनसे पहले ईज या एवरी आया हो, और उनसे पहले ईज या एवरी आया हो तो उसके बाद वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा। वर्ब होगा क्या हमारा सिंगुलर होगा। पहले देख लो कि यदि दो सिंगुलर नाउन आयन से जुड़े हों और उनसे पहले ईज या एवरी आया हो तो उसके बाद जो है वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ये तो है नियम इसमें। इसके अंतर्गत पहला सेंटेंस हमारा देखो है एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वेयर बिजी हिज वर्क। अब इसमें देखो दो सिंगुलर नाम, एक नाम यह हो गया, एक नाम यह हो गया, एक इससे जुड़े हैं एंड से जुड़े हैं, और इससे पहले क्या आया है एवरी आया है। और इनके पहले भी एवरी आया है, उससे पहले भी एवरी आया है, तो इसके अनुसार जो हमारा वर्ब होगा वह क्या होगा सिंगुलर में होगा। जब इसका करेक्शन करेंगे हो जाएगा एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, जहाँ पे वेयर था और इसके अनुसार क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा बिजी हिज वर्क। मतलब इसके पहले एवरी आया इस नाम के पहले और जो है इस नाम उसके पहले क्या है एवरी आया है, इसलिए हमें क्या करना है इसमें जो हमारा वर्ब यूज होगा वह क्या होगा सिंगुलर होगा। तो ये जो है हमारा पहला सेंटेंस था। और दूसरे के लिए क्या है कि ईच बुक एंड ईच मैगजीन, इसका करेक्शन करेंगे सही हो करेंगे हो जाएगा ईच बुक एंड ईच मैगजीन मैगजीन। अब इसके लिए हमें ये भी सिंगुलर नाउन है और एक भी सिंगुलर नाउन है, दोनों क्या है से जुड़े हुए हैं और इसके पहले क्या आया है ईच आया है दोनों पहले, इसलिए जो हमारा वर्ब होगा वह होगा हमारा क्या होगा सिंगुलर। वर्ब लिखने में क्या लिखना है ये जगह वर्ब लिखना है, इन लिखना है उसका दूसरा दूसरे लिखना है इसे, और उसके बाद में क्या लिखना है प्लेस। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा पहला जो नियम था सिंटेंस के अंदर ये दो सिंगुलर नाउन आयन से जुड़े हो और उससे पहले क्या है कि ईज एवरी आया हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा हमारा सिंगुलर में होगा, जैसे एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, यहाँ पे एक नाउन ये है एक नाउन ये है और दोनों क्या आयन से जुड़े हुए हैं और उनके पहले क्या आया है एवरी आया, इसलिए हमारा जो वर्ब होगा जब उनसे करेक्शन करेंगे एवरी बॉय एंड एवरी टीचर से वाज बिजी हिज वर्क। इस प्रकार यह सेंटेंस हमारा सही हुआ। अब दूसरा है ईच बुक एंड ईच मैगजीन वेयर इन इट्स प्लेस। अब यहाँ पे जो नाम यहाँ पे है और एक नाम यहाँ पे, दोनों को पहले क्या आया ईच आया है, इसलिए जब हम इसका करेक्शन करेंगे तो हो जाएगा ईच मैगजीन, जहाँ पे वार था उसमें क्या हो जाएगा वेयर था वहाँ पे जाएगा वार इन इट्स प्लेस। ये तो हमारा जो है पहला नियम था सिंटेक्स का। अब हमें देखना है इसके बाद जो अगला हमारा नियम है, पहला नियम हमने देख लिया, अब जो दूसरा नियम है उसे देखते हैं। इसमें क्या है कि दो या तीन पर्सन का प्रयोग जो है एक ही वाक्य में करने पर उन्हें क्रमशः किस प्रकार लाया जाता है। पहले सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के ऊपर फर्स्ट पर्सन अर्थात पर्सन का प्रोनाउन अंत में रखा जाता है। पर्सन का प्रोनाउन क्या है अंत में रखा जाता है, इसके लिए दूसरे की संख्या आपको याद रखनी है। यदि आप परीक्षा में पूछेगा किसी
दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। अब इन्हें जो क्या है इसे हमें सही करना है, इसे सही क्या करना है, खाली वर्ड जो जो एक की संख्या हमें याद करनी है, क्योंकि इसे सही करते हुए सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन चाहिए, फिर थर्ड पर्सन चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पर्सन चाहिए। तो सारे उसी को क्रम में लिख देना है। जैसे इसमें इसका पहले आ जाता है फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और यू क्या सेकेंड पर्सन, पहले सेकेंड पर्सन चाहिए तो हमें यू हो जाएगा, हो जाएगा यू, यू के बाद अब उस पर थर्ड पर्सन पे काम लगाएंगे, यू ही हो गया, यू ही। अब उसके बाद में क्या करना है, आई, आई के बाद में फर्स्ट पर्सन लिखना है, हमने फर्स्ट लिखा है आई आर फर्स्ट फ्रेंड, मतलब इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो आप हमें चेंज नहीं करना है, खाली जो प्रोग्राम के पर्सन होते हैं उन्हीं को हमें सही क्रम में लिखना है। तो पहला ये लिखा हमने, अब दूसरा है कि एंड डायरेक्ट एंड विद दिस पर। अब इसके देखो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन रखना है, थर्ड का फर्स्ट रखना है, इसमें थर्ड पर्सन है, उसके बाद क्या है फर्स्ट है, तो सेकंड पर्सन नहीं है, तो लिखा जाएगा तो सबसे पहले में क्या लिखना है, ही एंड आई लिखा गया इसमें, तो क्या है कि पहले हमें थर्ड पर्सन लिखना है, उसके बाद क्या है फर्स्ट पर्सन लिखना है, थर्ड पर्सन आप क्या है फर्स्ट पर्सन। इसे हम क्रम में कैसे सही करेंगे, गलत हो गया, हमें क्या लिखना था, यू लिखना था, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, ये तो हमारे क्या है मजबूत सेंटेंस का एक भाग है, लेकिन ये जो हमारे सेंटेंस में खाली एक ही लिखा उसे बंद देखिए, और उसका दूसरा सेंटेंस है, हम देखिए बताते हैं दूसरा सेंटेंस में जो है कि क्या है कि आई एम ही, आई आई एम दे, ही आई एम ही कैन नेवर गो देयर, कैन नेवर वो देयर, तो इस प्रकार दूसरा था जैसे हमारा है उसे हमने हटा दिया। अब इसे देखो हमें सही करना है, पहले आई लिखा फिर ही लिखा, पहले हमें सही थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो इसे जो सही क्रम में हमें करना होगा हो जाएगा कि आई ने आई कैन एंड आई कैन नेवर, कैन नेवर गो दिया, इस प्रकार हमने प्रेजेंट किया। इसमें क्या था कि मतलब दो या तीन पर्सन का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उन्हें क्रम से इस प्रकार लाया जाता है, पहले सेकंड है, थर्ड है, फिर फर्स्ट है, अर्थात पर्सन का प्रोनाउन जो है अंत में रखा जाता है, इसके लिए जो व्यक्ति की संख्या में या रखते होते हैं, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई ही, आई बी यू आर फर्स्ट फ्रेंड, इनका क्रम या प्रश्न का जो प्रणाम इनका सही नहीं है, इसके लिए भी दूसरे की संख्या याद करनी है वही लिखना है। तो सबसे पहले जो होगा मतलब सेकंड पर्सन होगा तो यू होगा, फिर उसका थर्ड पर्सन यू हो जाएगा हमारे, फिर आई लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन यहाँ लिखेंगे और वैसे लिख देंगे सर। फिर दूसरा है आई एम ही कैन नेवर गो देयर, अब यहाँ देखो ये आ गया फर्स्ट पर्सन या आ गया थर्ड पर्सन, तो हमने सबसे पहले थर्ड पर्सन रखना था फर्स्ट पर्सन, तो हो जाएगा ही कहेंगे आई कैन नेवर गो देयर। ये दो रूप हमने देखा सिंटैक्स का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए। अब हम देखने वाले इसका जो हमारा तीसरा नियम है सिंटैक्स का, वो क्या है ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे भी इधर पूछे जाते हैं, जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा वुमन आई डू लाइक दिस लव वन अनदर, इसमें देखो दो व्यक्ति हैं और इनके साथ जो है किसके लिए हुआ है वन अदर का, तो हमें पता है कि ईच अदर का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों के लिए होता है, तो सही क्रम में करेंगे तो हो जाएगा
राकेश लव वन नाइन लव इज अदर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस से करेक्ट हुआ और ये जो क्या था हमारा ऊपर जो था जिसका हमारा गलत था ये था जो शुद्ध मुआन है राकेश का वन अदर का था लेकिन दो व्यक्तियों के लिए जो हम इसे यूज करते हैं ईच अदर का करते हैं। तो हमने यहाँ ईच अदर का प्रयोग किया तो यह सही हुआ। अब उसके बाद देखिए दूसरे जो है दे फिर आर मोर चिल्ड्रन लव ईच अदर। इसमें देखो किया गया कि अधिक से अधिक किया गया है जब हम इसे करेक्शन करेंगे तो हो जाएगा हमारा दीज थ्री दीज थ्री आर उसके बाद क्या करना है मोर चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन लव यहाँ इन चलते हैं दो से अधिक है इसलिए मैं सही करेंगे क्या लिखना पड़ेगा वन अदर वन अदर तो हो जाएगा दी थ्री आर मोर चिल्ड्रेन लव ईच अदर जहाँ का हम आपके क्या करेंगे वन अदर का यूज करेंगे। आप देखते हैं इसमें भी क्या करना है जिसका नियम हमने बताया था कि तीसरा नियम ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने दो सेंटेंस निकाला उसी के आधार पर पहले लिखा मोहन आएंगे राकेश लव वन अदर और फिर जब इसका करेक्शन करेंगे हो जाएगा मोहन एंड राकेश क्योंकि ये दो नाम है तो दो नाम को इसमें बताया गया है अगर दो नाम जुड़े हैं ईच अदर से तो उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि दो व्यक्तियों के हैं ईच अदर से दो व्यक्तियों का वाला नहीं इसलिए हमें क्या लिखा है जहाँ तो वन अदर था एक गलत था तो हमने इसका करेक्शन किया तो मोहन एंड राकेश लव ईच अदर ये हमारा सेंटेंस का सही जो है। दूसरा है दिस थ्री आर मोर चिल्ड्रेन लव ईच अदर इसे हम सही करेंगे दो से ज्यादा है तो दिस थ्री आर मोर चिल्ड्रेन लव वन अदर का यूज होगा। इस प्रकार के हमने सेंटेंस के अंतर्गत हमने आपको तीन इधर तीन सेंटेंस हमने दिया होता है जिससे आपको इधर पूछे गए इसी प्रकार सेंटेंस आएगा आपको सही करना होगा। PHY, yes,
PHYSICS मतलब क्या है फिजिक्स, मतलब क्या लिखा है फिजिक्स से आर डिफिकल्ट है, तो फिजिक्स का प्रयोग होने के साथ साथ जो हमारा आता है सिंगुलर में आता है, हमें क्या लिखना है फिजिक्स के लिए ए और उसके बाद कुछ लिखना है यहाँ पे डिफिकल्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए इससे जो इतनी सारी दिक्कत है इसके साथ जो है वर्ब या जो हमारा प्रयोजन में नहीं होता है इसका प्रयोग जो है सिंगुलर में होता है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया इस लगाया एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये तो था हमने देखा जो है सिंटेक्स के अंदर में कुछ इधर से यहाँ पर परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं।